1 जनवरी 2022 जब लोगों के नए साल की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ हुई। जी हां, जब मां वैष्णो के भवन पर लोगों का सैलाब बेकाबू हुआ और भगदड़ मच गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग घायल भी हुए, जिसके बाद से बहुत सी दफा सवाल भी उठाए गए कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि माता वैष्णो के दर्शन के लिए भक्तजनों को नए एवं कड़े नियमों का पालन करना होगा। अब इस यात्रा के लिए ऑफलाइन पर्ची सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब यात्रा करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य होगी। उस रात हुए दर्दनाक हादसे के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये नए फैसले लिए गए हैं। यहाँ तक कि भवन पर मौजूद भीड़ को ट्रैक करने के लिए RFID ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिलाकर भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए और भी अन्य उपाय किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार को तत्काल सभी फैसले, जैसे पूरी तरह ऑनलाइन बुकिंग से यात्रा, भवन के आसपास लोगों की कम से कम भीड़ होना और प्रवेश व श्रद्धालुओं के बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्तों को सुनिश्चित करने के सभी निर्देशों पर अमल करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, कई मास्टर प्लान्स पर भी काम किया जाएगा। माता के दर्शन के लिए आए सभी, खासकर बुजुर्ग एवं बच्चों की सुविधा के लिए रोपवे बनाए जाएंगे और भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए स्काईवॉक और सस्पेंशन ब्रिज भी तैयार किया जाएगा। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं तो इन सभी नियमों का खास ध्यान रखें और डेली लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।